केजरीवाल फिर एक बड़ा खुलासा कर रहे थे कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारपीट हो गई। इसी दौरान मंच की ओर जूता फेंकने की भी कोशिश हुई। बाद में आईएसी की ओर से दावा किया गया कि हंगामा कांग्रेस के एक नेता ने किया। अगर ये मुझे नहीं पता कौन थे वो, लेकिन जो भी थे वो ठीक नहीं कर रहे। इससे पहले केजरीवाल ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के कारोबार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर रिलायंस इंडस्ट्री के हाथों बिकने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार के दौरान गलत तरीके से आरआईएल को गैस ब्लॉक दिए गए। 2000 में ही रिलायंस को केजी बेसिन का ठेका मिला था। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया है। हिट एंड रन वाला जो एक सिस्टम चल रहा है, एक पूरे के पूरे साप्ताहिक मंडी और मासिक बाजार चल रही है, उसको जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो उसका जवाब दिया जाए। कांग्रेस ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बगैर प्रमाण के किसी भी तरह के आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है और जिनके लिए स्पेस का औचित्य हो वो करें, कम से कम हमारे द्वारा टिप्पणी करने का कोई औचित्य। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि रिलायंस ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए गैस का उत्पादन कम किया ताकि गैस की ज्यादा कीमत मांगी जा सके। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर रिलायंस के 31 गैस कुएं में से केवल 13 गैस कुएं ही काम क्यों कर रहे हैं। अरविंद ने यह भी आरोप लगाया कि देश चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि उद्योगपति चला रहे हैं। सियासत और व्यापारिक घरानों के बीच गठजोड़ को उजागर करने वाली केजरीवाल की मुहिम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिहाज से भले काबिले तारीफ मानी जाए, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये मुहिम अपने आप में किसी बड़े बदलाव की सूत्रधार बन पाएगी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन मनुजेंद्र सिंह के साथ आशुतोष पाटिया।